नमस्कार आपण देखुछन्ति मध्याह्न ओडिशा मैट्रिक परीक्षा मूल्यायन द्वंद्व दूर करिबाकु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रो प्रयास बोर्ड सभापति और परीक्षा नियंत्रकों प्रेसमिट करी मूल्यायन को नहीं देखा समस्त सन्देह प्रश्नर उत्तर रखिछन्ति स्कूल पक्षर दि जा तथ्य आधार मूल्यायन उभय नवम और दशम मार्क को नहीं मूल्यायन विकल्प मूल्यायन पद्धति नहीं शिक्षाविद्क तीन थर और डीओ दुई थर आलोचना पर प्रक्रिया चूड़ांत होता गत चार वर्षर स्कूल प्रदर्शन को दृष्टि रखि विकल्प मूल्यायन सीबीएसई मूल्यायन फर्मुला को अनुसरण स्वतंत्र कोर कमिटी द्वारा मूल्यायन तर्जमा जुलाई में ऑफलाइन इंप्रूवमेंट परीक्षा देवे छात्र छात्री माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभापति रामाशीष हाजरा यह सूचना देते जुलाई 5-15 जाए चल इंप्रूवमेंट परीक्षा पर फर्म पूरण परीक्षा होबार 10 दिन भितर प्रकाश पाइब फल कोविड स्थिति सुधुरु समस्त परीक्षा ऑफलाइन करने निष्पत्ति इंप्रूवमेंट परीक्षा चूड़ांत नंबर पुनः मिश्रण और पुनः मूल्यायन आवेदन हो पारिबो बोली बोर्ड पक्षर स्पष्ट कर नवेश महांती अधिक सूचना देवाई आम सहित अच्छा नवेश जो द्वंद दूर करने बोर्ड प्रयास करें छात्र छात्री प्रतिक्रिया ने किसी छात्र छात्री असंतोष प्रकाश करुछंति कारण जहां से कहिबा कथा जे केवल नवम श्रेणी मार्क को भित्ति करी रिजल्ट बाहर करा किंतु बोर्ड तरफ कहुची जे नवम दशम ता सहित गत चार वर्षर प्रदर्शन को आखि आगे रखा जाए कौटी भूल रही जा देखो सती जदी मोटामोटी जो गोटे घंटा धरी सांबादिक सम्मेलन चलला तार जदी सारांश कथा कहबा जिस्ट कथा कहबा गोटे कथा बोर्ड स्पष्ट करी जे स्कूल रो जो रिजल्ट आधार करके पिला मानको समानकर फल दिया जाई जेमिति नाही जे पिला मानको इंडिविजुअली समानकर प्रदर्शन रो फल मिलि गोटे कथा स्पष्ट आमे कहि परबा ए पूरा गोटे घंटा सांबादिक सम्मेलन एटा ही सामना को आसला और यार प्रश्न जड़े पचारू जे किभली भाव में जड़े छात्र छात्री जड़े परीक्षार्थी जड़े छात्र कि जड़े छात्री मूल्यायन स्कूल रिजल्ट को आधार करा जाए परिवो से नहीं कि गोलिया घाटिया उत्तर बोर्ड पक्ष मिलता कितु यह ही रही बाकी रहा जदि आम परीक्षा कथा एवं द्वंद्व दूर करने कथा बहुत चेषा करा जमी कहते सांबादिक सम्मेलन में बोर्ड पक्ष स्पष्ट करा इसरो पर्यंत इसरोर वैज्ञानिक मानकर परामर्श नहीं बीओ मान सहित आलोचना कराइला बड़ बड़ विशिष्ट शिक्षाविद मान सहित आलोचना कराइला तेनाली बोर्ड जो व्यवस्था ढांचा तैयारी करता से ढांचार कौन से त्रुटि ना सफई देते अपरपक्ष आ गए गुरुत्वपूर्ण कथ बोर्ड गत बोर्ड सभापति और बोर्ड एग्जाम कंट्रोलर स्पष्ट करते जे परीक्षा जो हम इंप्रूवमेंट एग्जाम आसंता 5 तारिख फॉर्म फिलअप तार आरंभ कर तार खसड़ा आज संपूर्ण भाव गणमध्यासन रखाला 5 तारिख में फॉर्म फिलअप ओपन ऑनलाइन वेबसाइट रे ओपन करा जिवा 10 दिन पर्यंत अवधि रहिबा तेनु 15 तारीख पर्यंत पिला माने फॉर्म फिलअप करि परिबे एवं यहां परे फॉर्म फिलअप करिवार ठीक किछि दिन परे परीक्षा तारीख घोषणा ता भितर करा जाइथिबा एवं तार 10 दिन परीक्षा हेबार 10 दिन मधरे रिजल्ट प्रकाश पाइबो अर्थात जुलाई मास रे ही परीक्षा हेबो एवं जुलाई मास रे परीक्षा हेबार किछि दिन परे अर्थात 10 दिन परे रिजल्ट प्रकाश पाइबो होत अगस्त प्रथम सप्ताह रिजल्ट प्रकाश पाइ परे बोर्ड आउ गोटे कथा मतलब सती स्पष्ट करी कौन सी प्रकार रे पुणी थरे मूल्यायन किंवा पुणी थरे रीचेकिंग एडिशन इत्यादि व्यवस्था एथरे हेई पारिबो नाही जहार भी संदेह होउची जहार भी डाउट रहउची जे से भल रिजल्ट करि पारथांते तेबे से पुणी थरे जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देबे एवं इंप्रूवमेंट एग्जाम रो रिजल्ट जहा हबो जदि पूर्व हबरे तेबे ता फाइनल हबो एवं सेटा परीक्षा फल रे प्रकाश दबा सर्टिफिकेट प्रिंट हे आसिबो तेणु द्वितीय थर एग्जाम देवा व्यतीत अन्य कौन सी अप्सन नाला बोर्ड स्पष्ट करी तेणु मोटामोटी आउ गोटे कथा भी आदर सती स्पष्ट होगा जे अनेक स्कूल एक्जाजरेट करी अधिका संख्यार ए वन एवं ए टू बी वन बी टू ए चारोटी वर्ग ने निज निज पिलार रिजल्ट को प्रोसेस कर किसी अनियमितता सामना को आोर्ड आज स्पष्ट कला कार्यानुषान ग्रहण हो बोर्ड हाथ तो कार्यानुषान ग्रहण कर क्षमता नहीं बोर्ड सुपारिश कर गणशिक्षा विभाग कार्यानुषान ग्रहण कर तेरे यही स्कूल मान विरुद्ध में कौन कार्यानुषान ग्रहण करा स्कूल गुड़िक निजर कार्यानुषान ग्रहण करे से प्रतिक्रिया कौन से बर्तमान समय कह मोटामोटी भाव पूरा जी गोटे घंटार सांबादिक सम्मेलन कथ कह बोर्ड स्पष्ट कला कौन प्रकार त्रुटि होना जेहतु बिना परीक्षा
फल प्रकाश करेणु यही भाई भाव ढांचा प्रस्तुत करता ढांचा बहुत विशिष्ट व्यक्ति परामर्श नवीन सिंह भितर आम शिक्षावित मत नौ कहवा कथा था स्कूल को लेकिन जो प्रदर्शन को लेकिन आखि आगे रखा जाए जो मार्क दि जाए हे तो स्कूल भितर भल पा भी अच्छा खराब पिला भी रोच्च भल पा क्यारिययर सहित खेल जाऊनि कि बिल्कुल यही प्रश्न व्यक्तिगत भाव मुझे रामासी छाजरा को तार उत्तर रखी थे अन्य कौन से विकल्प ना कारण जदि गोटे स्कूल रे गोटे निर्दिष्ट वर्ष भल छात्र रोचे दुई वर्ष भल छात्र रे स्कूल रिजल्ट भल होगा तेज ता पूर्व पर जदि दुई वर्ष छात्र छात्री स्टांडर्ड कमिला तेज से कौन पर ब्याच स्टूडेंट मैंने दायी कि तेणु यार उत्तर था मैंने आउ कि कर ही नाता कितु गोटे सीधा कथा रोच स्वती केवल दशम रोटी टेस्ट परीक्षा और नवम पर्यंत ठीक था बाकी जो दुई वर्ष आड करा ही समस्या सृष्टि कराकि बर्तमान छात्र छात्री मान असंतोष चिंता को बढ़ाई तेणु देखा जा जो बोर्ड आज स्पष्टीकरण पर या अभिभावक महल में केमी देखा जा छात्र छात्री मैंने कौन कहते हैं कारण बोर्ड स्पष्ट कर पुणि थे परीक्षा हेबार ना जदि हो परीक्षा इंप्रुवमेंट एग्जाम हम कौन प्रकार मार्क एडिशन किंवा टैबुलेशन किंवा रीचेकिंग रे कौन प्रकार परिवर्तन से व्यवस्था हो ना धन्यवाद नवेश वर्तमान सूचना पाई वर्तमान कौन पदक्षेप निया इंप्रूवमेंट ही गोटे परीक्षा ही गोटे मात्र विकल्प वर्तमान पिला अंपटे बोर्ड तरफ स्पष्टीकरण पर अभिभावक मैंने कौन प्रतिक्रिया रखुंत देखा बाकी শুনন্তু আমি পদক্ষেপ নবা আমি যেতবেলে আমার এটা গোটে আপ্লিকেশন সফটওয়্যার থ্রুরে আমি টোটাল রেজল্ট প্রসেসিং করছু ম্যানুয়ালি কিছু হুয়ে না যেতবেলে মার্ক অপলোড করি সারিলে সেমানে আমার রেজল্ট প্রসেসিং আরম্ভ হেলা আমি সেতবেলে তাকু ডিটেক্ট করলু যে এমতি এমতি মানে গোটে গোটে স্কুল দেইছন্তি এতে এক্সরবিটেন্ট সেইটা এই যে এক্সাম্পল আপনি দেখাইলি আজ্ঞা সেইটা হেলা পরে আমি যে মডারেশনটা করিছু দ্যাট ইজ দা রিজন যে পাই সে মডারেশন করা হইছি যদি মডারেশন করা নয় থানতা শুনন্তু অলগা পিলা মানে আফেক্টেড হই থানতে সেমানে এ পিলা মানে যে ফিল্ড কু যাই কি দি বর্ষ উপর দি বর্ষ তল পিলাঙ্ক সঙ্গে কম্পিট করি আপন মানক পিলা থিবে करिवे तांका संगे कंप्लीट गोटे वर्षर पिला जदि अनयूजुअली हाई मार्क रखि देले ए माने अनड्यू एडवांटेज पाई जिवे ना नै अगेंस्ट जो माने जेन्युइनली परीक्षा देखि विगत वर्ष मानकरे आछंती सेई सेई जो कि मॉडरेशन कराइ छी काहे जेन्युइन काहे स्कूल रो मेरिट लिस्ट को पूरा मेंटेन कराइ ए जो 2006 हिसाब रे मान पिला मान सेटा तो टोटल एक्सेप्ट करि हबनि तार कारण हम एग्जांपल देलु आपन को कोन पई स्कूल रो जो मार्क आछि आलोचना करने सुभा बोर्ड पक्षर स्पष्टीकरण मिल सारी कौन पुणी थे पुनः मूल्यायन हेबो नाही जदि हेबो केवल इंप्रूवमेंट परीक्षा हेबो इंप्रूवमेंट पिला माने परीक्षा दे पारिबे एवं सेइथिरे जो नंबर रखिबे सेइटा ही फाइनल मार्कशीट रे आसिबो एहा कुने कोन कहउछन्ती छात्र छात्री संक्रांत स्टूडेंट प्रतिक्रिया कौन रहा प्रतिक्रिया ना जेहेतु बर्तमान बोर्ड स्पष्ट कर इंप्रूवमेंट एग्जाम हम तेणु जहाँ आपण गोटे भाग्य भविष्य पुणी निर्धारण कर जो मैंने असंतोष व्यक्त करकेशन दे तेनाली मैंने कौन मत आम आप्लिकेसन देर मार्क बढ़ा जाऊ माने आम स्कूल आम गवर्नमेंट रोष दौनु आम स्कूल ही त्रुटि रखी आम स्कूल भूल मार्क देम स्कूल कौन आम चार बर्ष मार्क देचु देख ला बेलू से चार बर्ष मार्क टोटाली ही ना चार बर्ष देने ये कौन आम स्कूल स्कूल त्रुटि अच्छी स्कूल चार बर्ष टोटाली मार्क दे मैम मानक पचारे मैम मैंने सेभेन क्लास मार्क देना जहाँ स्कूल तो चार बर्ष मार्क टोटाल दिए से मार्क सब कम ही अच्छी राजी ना आम स्कूल मेन आम स्कूल भूल अच्छी आम चाहू आम स्कूल से प्रॉब्लम सॉल्व करंतु बोर्ड कह अनुसार नवम और दशम मार्क मिलवा कथा कि नवम रु 40% मार्क आमको मिली आमको दशम रु 60% मार्क दरकार आम इंप्रूवमेंट एग्जाम देवे राजी अच्छु कि एग्जाम हम के सिचुएशन तो एग्जाम होगा संभव करेंगे अफलाइन केजाने आम से तो जानू आम कहीपर कार्य करते कार्य न गले आम आउ थे जहाँ करूँ कल से आउ थे करूँ आउ थे रोड को ओल्लु आ कौन करू जी बाध्य हो सरकार किसी न नब आम निश्चित भाव कि ना कि करूँ एटा आम फ्यूचर ये बिना फ्यूचर आम टेन्थ हो सबुरी दरकार जो जॉब भी करेन्थ सर्टिफिकेट मागुच
टेन्थ देखिए आम एत खराब कर जब देवी जब दूर क्या आगे पढ़ भी पार्बुनि गोटे कथा स्पष्ट होने एक प्रकार अमंग अच्छा कारण जो मार्क दि जाता तेणु से मार्क को से मैंने स्कूल कर्तृपक्ष मानक जनातु जत मार्क दे आप बोर्ड को तेणु जहाँ नहीं मैंने आप्लिकेसन दे प्रधान शिक्षक को तेणु स्कूल कर्तृपक्ष निष्पत्ति से आप्लिकेसन को से जब बोर्ड को बोर्ड अफिस अवगत करेंगे तापर जहाँ निष्कर्ष बाहर कितु सेपटे बोर्ड जो निष्पत्ति से बर्तन अमंग अच्छा जो मैंने अफलाइन परीक्षा देवा जो कथ कहला से अमंग अच्छा सुमंत जहाँ छात्र छात्री प्रतिक्रिया आसुची किंतु बोर्ड तरफ तो स्पष्ट हो सारी पुणी थे पुनः मूल्यायन हो केवल गोटे मात्र विकल्प से पाखे इम्प्रुवमेंट परीक्षा जदि से असंतुष्ट अच्छा से मार्क में इम्प्रुवमेंट परीक्षा जदि से रिजल्ट वर्तमान रिजल्ट तुलन में कम रहा ही फाइनाल रिजल्ट हो बर्तमान कौन पदक्षेप ने छात्र छात्री और स्कूल तरफ परवर्त पर्यायर ही जना पड़े बहुत बहुत धन्यवाद बर्तमान समस्त प्रतिक्रिया अन्य खबर को आसवा टीका संकट देखाई राज्य में पुणी टीका अभाव जाजपुर और केन्द्रापड़ा जिले में टीकाकरण बंद रही नयागढ़ भी टीकाकरण बाधा प्राप्त हो केन्द्रापड़ार नौटी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपखंड स्वास्थ्य केन्द्र को मिसाई आज 75 केन्द्र में टीकाकरण बंद रही जहां लोकों भितर असंतोष सका टीका आसीथिबा लोके निराश रे फेरी वर्तमान सुधा केन्द्रापड़ा जिले में 350,000 अधिक डोज टीका दिगला 2,00,000 लोक प्रथम डोज नहीं बेले 70,000 ऊर्ध लोक द्वितीय डोज टीका दि जा आसलु टीका नवा को आसिक देख लु आज बंद अच्छे आम ढोल पंचायत रु आसलु एत बाट रु आसलु आरिक जाऊ सबुद जदि दि हाँ तेल भल हाँ लोक मैंने भी उपकृत हाँ सेकेंड डोज टीका नाप आज 29 दिन 14 दिन आज 29 तारीख जा मेसेज भी जाता आस देख ला बेलू सब बंद आका नहीं पार फेरी जाऊ कोरोना संक्रमण को प्रतिहत करने टीकाकरण को जोरदार करा राज्य सरकार टीकाकरण को कैंपेन मोड में निदी कह केन्द्रापड़ा जिले में पाखापाखि 75 केन्द्र में 9 ब्लॉक 2 पौराल अधीन पाखापाखि 75 केन्द्र में टीकाकरण करें कह जेहेतु टीकार अभाव रही आज चित्र हूँ टीका बंद रही कहे कि आप कौटू आसते कौन टीका आसते कौन है अज्ञा मुझे पंचुपंडव रु आसती दीर्घ तीन दिन धरी मुझे टीका नापी बट मुदिन धरी लाइन आसा फल बहुत समय धरी क्यूरे ठिया पड़ी मत दिन जाक मत बारंबार रिटर्न पठा जात समय मिनिमम 200-300 लोक ठिया हो टीका भी मिलूनी पर डे मत बाध्य फेर पड़ी मुझे जापानी आज बंद मिल कि सरकार घोषणा कौन कर ठीक से देखनी जानी ठीक आनाउन्समेंट है आम डिस्ट्रिक्टे आटलिस्ट प्रचार कर बंद टीका घोषणा से मृत कथा फेर 20 किलोमीटर फेर आस देख लंद फेर बाध्य फेरी आज पड़ो आज मिसे 4 दिन हो गला भाई आसते टीका कौन देखुं टीका केन्द्र बंद अच्छे आसिक पहुँचला बेलू देख ला बेलू लोक रस हो फेरिक जावाक पड़ी फेरी गला सत्ते 2 दिन है आसलु काली आसलु का देख ला बेलू बहुत लोग फेरी गलु आज आसिक पहुँचला बेलू टीका केन्द्र बंद जेहेतु टीका अभाव अच्छी राज्य सरकार तो काली संवाद माध्यम रे प्रिंट मीडिया आउ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया माध्यम रे जणैचंती जे केन्द्रापड़ा आ बालेश्वर रे टीकाकरण हबो नै जेहेतु किछि लोक न्यूज पाई पारि नाहंती से तणु आसिचंती एठी कि नबा पई किंतु हेइछि खबर सरकार तरफ रु किछि खबर जणैबारे किछि असुविधा दिया हबो लोक मन आस्थ निराश हेउचंती आज जणा पड़ि जीव जदि टीका आसी जाय सरकार जनइबे केन्द्रापड़ार बालेश्वर में टीका दिजो तेज कह जेहतु टीकार समस्या रही अभाव देखा जहाँफल टीकाकरण को बंद कर रखा तेज टीका आसे पुणि थे टीका दिजो बोलिक जहाँ अधिकारी मैंने सूचना देते केन्द्रापड़ा कैलाश साहू न्यूज 18 ओडिया राज्य में पुणी 3,000 तौक खसला संक्रमण 2,640 कोरोना आक्रांत चिन्हट 24 घंटे संगरोधर 1517 लोकाल केस 1123 बालेश्वर सर्वाधिक 397 खोर्धारू 365
କଟକରୁ 266, ପୁରୀରୁ 178, ଯାଜପୁରରୁ 162, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 155, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 132, ଭଦ୍ରକରୁ 128, ମାଲକାନଗିରିରୁ 64, ନୟାଗଡ଼ରୁ 92, ଅନୁଗୁଳରୁ 89 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା 9,06,429କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 8,70,787 ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। 31,619 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି TPR 4.14% ରହିଛି। ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଆଧାରରେ 4 ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବାବେଳେ 5 ଜିଲ୍ଲା ୟେଲୋ ଜୋନ୍ ଓ 21 ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି। ଚାଳିଶରେ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,970କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 5 ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 7, ବରଗଡ଼ କଟକ ନୟାଗଡ଼ରୁ 5 ଲେଖାଏଁ, ପୁରୀରୁ 4, ଅନୁଗୁଳ ଗଞ୍ଜାମରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 2, ଭଦ୍ରକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ତଳ ମୁହାଁ ଗ୍ରାଫ 102 ଦିନ ପରେ 40,000 ତଳକୁ ଖସିଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଦିନକରେ 37,566 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 3,16,897। 2,93,66,601 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। 5,52,669 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। କେରଳରୁ ସର୍ବାଧିକ 8,063 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛନ୍ତି। 110 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 6,727, ତାମିଲନାଡୁରୁ 4,800, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 2,500 ନୂଆ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ 1,000 ତଳେ ରହିଛି ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 907 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ସର୍ବାଧିକ 287, କେରଳରୁ 110 ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,97,637କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁଣି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ କଅଁସର ଗାଁରୁ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରଣାଙ୍କ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଘରୁ 2.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଛାଲ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାର ଏକ ଘରେ ଏକ ଏହି ବାଘ ଛାଲକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘରେ ନଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ଖବର ପାଇ ବାଘ ଛାଲ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେବାକୁ ତାର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିନୋଦ ସାହୁକୁ ସେ କହିଥିଲା। ବିନୋଦ ବାଘ ଛାଲକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ତାଠୁ ଜବତ ହୋଇଛି ଛାଲ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଏଫ୍ଓ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି। ବିନୋଦ ସାହୁକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। 4-5 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମର ସଇଁତଳାଠୁ ପାଖ ଏକ ଗାଁ ଅଛି କଂସର ବୋଲି। କଂସର ଗାଁରେ ଏକ ନବନିର୍ମିତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର, ତା ଭିତରେ ଏକ ବାଘ ଛାଲ ଅଛି, କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଛାଲ, ଏବଂ ସେଇଟା ଶୁଖା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଲ କଲୁ ଏବଂ ସେ ଚାଲ ହିସାବରେ କିଛି ଆମର ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏ ଭିତରେ ତା'ର ମୋତେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ପିଲାକୁ ମୋତେ ତା ଘର ଲୋକ ଚାବି ଦେଲେ। ସେ ନବନିର୍ମିତ ଘରର ତୁରନ୍ତ ଚାବି ଖୋଲିକି ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଦେ। ଯେମିତି ସେ ଘର ଖୋଲିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତା ଭିତରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ସର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଖା ଭିତରେ ଚମଡ଼ା ଥିଲା, କଲରାପୋଥିଆ ବାଘର ଚମଡ଼ା ଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଘର ଖୋଲିଥିଲା ତା ନାଁ ବିନୋଦ ସାହୁ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଟକ ରଖିଛୁ, ଆମେ ଧରି ଆସିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚମଡ଼ାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଆଣିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମାଲୁରା ପାରିମ୍ପୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନାବାହିନୀ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଲସ୍କର କମାଣ୍ଡର ସମେତ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। 2 ମୃତକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଗତକାଲି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲସ୍କରେ ତୋୟଗା କମାଣ୍ଡର ନଦିମ୍ ଅବ୍ରାର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 3 ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 AK-47 ଜବତ ହୋଇଛି। କାଲି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନଦିମ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଯବାନମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପରେ ନଦିମ୍ର ସହଯୋଗୀ ଗୁଳି କରିଥିଲା। ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର।
जम्मूस्थित वायुसेना स्टेशन उपर ड्रोन द्वारा आक्रमण घटनार तदंत भार जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए को देछि केन्द्र गृह मंत्रालय। जम्मूस्थित एयरफोर्स स्टेशन रे ड्रोन द्वारा आक्रमण पर गतकाली पुणी जम्मू रे सेना शिविर उपर उड़ीला ड्रोन। जम्मूर कालचुक छाउणी उपर ड्रोन भली किछि जिनिस उड़ीला। तेबे भोर तीनटा बेले सूचना मिलिबा परे याकु गुड़ी करी खसाइथिले सेना जवान। संपूर्ण अंचल रे सर्च ऑपरेशन करा जायथिला। पाकिस्तान पटु ड्रोन आसीथिबा नै संदेह करा जाउछि। लगातार दुई दिन धरी दुई दुईटी सेना प्रतिष्ठान को टार्गेट करा जिबा परे एबे समग्र अंचल रे अलर्ट। प्रथमे वायुसेना अधीन थिबा विमान बंदर परे स्थल सेनारे शिविर उपरे ड्रोन उड़ीबा परे सुरक्षा बाहिनी सतर्क होइछन्ति। पाकिस्तान समझता है कि और पूरी तरह से उसको विश्वास है कि अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के पावर बेस को बर्बाद होने से अब उसकी जो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी है मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। पहले पूरा सपोर्ट महबूबा और अब्दुल्ला से मिलता था, वो सपोर्ट ख़त्म है। और जिस तरह से विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर में, अब पाकिस्तान के लिए फ्रेश ब्लड रिक्रूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को विश्वास होगा कि वो अमन चैन से यदि ज़िंदगी बसर करना है तो आतंकवादियों को सपोर्ट करना सही नहीं रहेगा। ये उनके हित में है कि आतंक ख़त्म हो जम्मू कश्मीर, इनका विश्वास होगा। जब ट्रेड शुरू होगा, विकास होगा तो ऐसा होगा। इसीलिए पाकिस्तान एक बौखलाया हुआ देश है जो किसी न किसी की तरह से रेलिवेंट रहना चाहता है। हमें चाहिए कि हमारी सेना अलर्ट रहे, हाई अलर्ट मोड में रहे और पूरी तरह से स्ट्रांग रिस्पांस दे जैसे दे रही है, ताकि पाकिस्तान बैकफुट पे रहे और डिफेंसिव मोड पे रहे। देशव्यापी असंतोष परे भारतर भूल मैप हटाइला ट्विटर। भारत मानचित्ररु जम्मू काश्मीर लद्दाख को बाद आउ एक नुआ विवाद सृष्टि करिछि माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर। ट्विफ लाइफ विभाग रे भारतीय मानचित्र को एभली कदर्थ कर दर्शाइबा अभियोग रे ट्विटर इंडिया एमडी मनीष महेश्वरी नारे मामला रुजु होई। उत्तर प्रदेश एक थाना मनीष नारे मामला रुजु करा। तबे यह प्रथम घटना नुहे, यह पूर्व लेहरु चीन अंश बोली दर्शाई विवाद सृष्टि करिथिला ट्विटर। नुआ दिल्ली यह उपरे अनुध्यान करुछि। खूब शीघ्र ट्विटर कर्तृपक्ष को नहीं स्पष्टीकरण मगाजिब, दरकार पड़िले आईनगत कार्यानुष्ठान भी ग्रहण करे जड़े अधिकारी कहते। सेपटे मध्यवर्तीकालीन मुख्य चीफ ग्रीभांस अफिसर धर्मेन्द्र चतुर इस्तफा पर कंपानी ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर जेरेमी केसेल को स्थान में निजुक्ति दि जाएगी, जहां आउ एक विवाद कारण भारत सरकार नुआ गाइडलाइन अनुजाई जड़े भारतीय ही पदर निजुक्त होगा कथा। ट्विटर लगातार ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो भारत के कानून का उल्लंघन करती हैं, चाहे वो भारत के आईटी एक्ट 2000 के तहत आईटी रूल्स 2021 का नापालन करना, चाहे वो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को भारत के बाहर दिखाना, या चाहे वो अपने पूरे ग्रीवेंस ऑफिसर्स को ना अपॉइंट करना। और अब तो खबर ये भी आ गई है कि उसके जो इंटरिम ग्रीवेंस ऑफिसर है उसने भी इस्तीफा दे दिया है। तो जब इतने सारे कानून के उल्लंघन हो रहे हैं, सवाल ये उठता है कि क्या सरकार कुछ कर सकती है? दो आई डोंट केयर पर्सनली बिकॉज दिस इज नॉट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, बट इट कैन क्रिएट अ मेजर इश्यूज इन द ग्लोबल वर्ल्ड। लॉट ऑफ पीपल कंज्यूम इंफॉर्मेशन व्हाट इज गेट पब्लिश्ड बाय ट्विटर, एंड हेंस इट हैज टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल एंड डू नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ द प्लेइंग विद द सिचुएशंस विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड टू क्रिएट अ सेफ एनवायरमेंट फॉर कंपनीज टू कम हेयर एंड देन कंपनीज कम एंड प्ले with the such an important information like the geographical boundaries and the political boundaries। स्नान पूर्णिमा रे अत्यधिक सुभाषित जल रे स्नान करी चतुर्धा मूर्ति एबे ज्वर रे पीड़ित एवं अणसर घरे चली आयुर्वेदीय उपचार। आज 15 दिनिया अणसर रो षष्ठ दिन ब्रह्मप्रभु को गरम चिकित्सा दिया जाउथिबा बेले आज शरीर रे फुलुरी तेल लागि हेबा विधि रहिछि। आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, एहि पवित्र तिथि रे महाप्रभु को निकट रे फुलुरी तेल लागि करा जाय। मध्यान धूप परे बड़ ओडिया मठ पक्षरु दुईटी माटी हांडी रे फुलुरी तेल जोगाय दिजिव, जहाँ को महाप्रभु शरीर में मालिश कर धीरे धीरे सुस्थ हे महाप्रभु। फुलुरी तेल लगी गत वर्ष हेरा पंचमी दिन बड़ ओडिया मठर 600 खांटी राशि तेल आसी था।
गोटे घड़ी में केतकी हेना जुई मल्ली आदि अनेक सुगंधित पुष्प पकाइ दि जाए पोती दि जाए से फुलर तेल को छाकी महाप्रभु शरीर में महौषधि भाव व्यवहार कराए। परवड़िया मठ पक्षर चतुर्दशी तिथि से तेल को कढ़ाई संपूर्ण भाव प्रस्तुत कर रखा जाए। आज जिते श्रीमंदिर डकर आसो महंत महाराज निर्देश क्रमे एटी मठ अंतवासी मैंने नहीं श्रीमंदिर को जी जानवा आम सहित बरवड़िया मठ मठाधीश अच्छा महंत बसिंद्र दास गोस्वामी आज यदि कह जो भाव में फुल तेल आज जीव के समय कि प्रस्तुत कर रखिंट गोटे वर्ष पूर्व हिं प्रस्तुत कराए पूर्व वर्ष हेरापंचमी तिथि ठारूँ फुलुरी तेलर प्रस्तुति आरंभ होता है से दिन ही माटी तले संध्या समय माटी तले पोता जाए फुलुरी तेलर प्रथम कार्य ऋतु अनुसार मिलता फूल गुलुम ये सब जिनस आसे मुहटा खोल जाए पुणि थे पक जाए प्रतिदिन भी सेठी से जगन्नाथ स्मरण कर पूजा करा जाए फूल चंदन दि जाए से जगार जो जगार पोता जाए बाहर शन पूर्णिमार पूर्व दिन से बाहर बाहर पर भी जो घर रही जाए से भी फुलपा दि जाए ठाकुर पूजा कला भाई पूजा कराए प्रभु प्रभु को समर्पित ही से सब तैयारी करा जाए था पारंपरिक रीति रे ही करा जाए था और संपूर्ण आयुर्वेदिक प्रणाली रे ही तैयारी करा जाए से अनेक आयुर्वेदिक चेरम डरंतु नहीं डरंतु नहीं सत जानंतु ताहि कहंतु दयाकर गुजब सृष्टि करंतु नहीं टीका ही संजीवनी याकु आपणंतु ए कार्य करूछि नेटवर्क 18 फेडरल बैंक सो मिलित भावे सचेतनता अभियान चलाइछि जहार ना संजीवनी और शॉर्ट ऑफ यहार काम होछि सचेतनता माध्यम रे कोरोना को मात देबा। समय सरी मध्यान ओडिशा रे खबर देखी नमस्कार।